वेलकम बैक एवरी वन, दिस इज़ केडी शर्मा एंड आई होप यू डूइंग ग्रेट देयर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इस टीवी के बारे में जो मेरे जस्ट पीछे लगा हुआ है, और ये है एल जी सी वन स्मार्ट 4K ओलेड टीवी। इट इज़ एन इनक्रेडिबल टीवी, आई कैन टेल यू दैट। एल जी सी वन के बारे में आपको ढेर सारी वीडियोज़ ऑलरेडी मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ रेयर कवर करने वाले हैं जो शायद आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, क्यों मैंने इसे अपग्रेड किया और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा लगभग 2 से 2.5 साल तक का। मैं वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि इस टीवी के बारे में मुझे क्या खास लगा। तीसरा, जैसा कि एक ओलेड टीवी पैनल है, इसमें एक कमी जो बहुत कॉमन होती है, अगर आप भी ओलेड टीवी ओन करते हैं या करने वाले हैं तो आपको भी वो एक्सपीरियंस होने वाली है। तो उससे फाइट करने के लिए, उसे रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या फॉलो करना होगा, आई विल टेल यू इन द वीडियो। फोर्थ, आई यूज सम एक्साइटिंग वॉलपेपर्स ऑन दिस टीवी। अगर आप नोटिस करेंगे अभी अपने आप ही वॉलपेपर्स बदलते रहेंगे, तो व्हाट डू आई डू एंड क्या एप्लीकेशन मैं यूज करता हूँ इन वॉलपेपर्स को स्विच करने के लिए। और फिफ्थ, इस टीवी के रिमोट के लिए मैं एक प्रोटेक्शन कवर यूज करता हूँ। ये कहाँ से मैंने लिया, कौन सा है और कितने का है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दिस वीडियो। लगभग 2.5 साल पहले अपने गैलरी सेक्शन में मैं यूज़ करता था सोनी ब्राविया 32 इंचेस और 34 इंचेस एलईडी टीवी। एलजी सी वन में आपको 3 स्क्रीन वेरिएंट्स मिलते हैं, 48 इंचेस, 55 इंचेस, 65 इंचेस। ये 55 इंचेस है, और 32, 34 इंचेस से 55 इंचेस में जब आप अपग्रेड करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि इस टीवी को खरीदने के एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगा मुझे 65 इंचेस लेना चाहिए था, जिसका एक्सपीरियंस और भी मजेदार होता। वन थिंग आई कैन टेल यू, अगर आप एक नॉर्मल टीवी यूजर हैं, लाइक नॉर्मल एलईडी एलसीडी टीवी अभी भी आप यूज करते हैं और ओलेड में अपग्रेड करेंगे, तो आपका जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है घर का, वो बहुत ही अलग लेवल पे चला जाएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 2 से 2.5 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर इतने अच्छे टीवी पैनल्स आपको नहीं मिलते थे और बहुत कम बेजल के साथ, तो इसमें आपको जो बेजल सेक्शन है चारों तरफ बहुत कम मिलेगा, पहली बात। दूसरा, अगर आप इस टीवी को साइड से देखेंगे, अगर आप इसको पीछे की तरफ से देखेंगे, तो लगभग आधा जो डिस्प्ले सेक्शन है वो आपको एकदम पतला सा डिस्प्ले नजर आएगा। जो आधा नीचे वाला सेक्शन है इस टीवी का, उसमें आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंस्टॉल मिलेंगे, लेकिन ऊपर वाला सेक्शन एकदम पतला सा डिस्प्ले है, जो कि काफी एक्साइटिंग लगता है। इसके अलावा इसकी ऑडियो क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी, इस टीवी में आपको 2.2 चैनल स्पीकर्स मिलते हैं। 40 वॉट का इसका नॉर्मल ऑडियो आउटपुट है, इसके साथ इसमें 20 वॉट का सबवूफर भी मिलता है प्री इंस्टॉल्ड, एंड इसका बेस और आप कह सकते हो जो आवाज की क्रिस्पनेस है वो बहुत अच्छी है। So you hear good quality sound from this. Or by the way, ये टीवी Dolby Atmos support करता है, so you get that surrounding sound system experience. जैसा कि ये एक OLED टेक्नोलॉजी है, इसमें millions of pixels आपको मिलते हैं डिस्प्ले में, और millions of pixels को lit करने के लिए millions of LED light होती हैं। OLED टीवी को जब आप ऑन करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर आप इसे रेगुलरली लाइक कंटिन्यूसली अगर आप इसे घंटों तक यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा पिक्सल रिलेटेड प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, पिक्सल्स इसमें बर्न होते हैं। तो अगर आप भी OLED टीवी ऑन करते हैं या करने वाले हैं तो ये एक्सपीरियंस आपको भी होने वाला है। अगर आप एक बहुत कंसिस्टेंट यूज़र हैं, बहुत रेगुलर वे में काफ़ी घंटों तक आपका टीवी चलता रहता है, तो आपको पिक्सल बर्निंग का इश्यू आने वाला है। वो आप कैसे स्पॉट करेंगे, आपको डिस्प्ले में कोई लाइनिंग नज़र आएंगी या फिर कुछ ब्लरीनेस नजर आएगा, आपको अजीब तरह के काइंड ऑफ यू नो फेडिंग स्पॉट्स नजर आने लग जाएंगे, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा पा रहा हूं। आई होप आप इसे स्पॉट कर पाएंगे। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी जैसा कि इस इश्यू को मैंने कुछ पहले एक्सपीरियंस किया। अब इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। इस टीवी के लिए आपको एक ये रिमोट मिलता है, और इस रिमोट को सबसे पहले आप देखेंगे टीवी की डिस्प्ले पर एक माउस की तरह आपको पॉइंटर मिल जाएगा, जिसे आप एज अ माउस बिल्कुल जैसे कंप्यूटर माउस ऑपरेट करते हैं वैसे कर सकते हैं। अब अगर आपको पिक्सल रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, आपकी भी डिस्प्ले में कुछ आपको निशान या फिर आपको ऐसे फेडेड निशान या फिर कुछ लाइनिंग नजर आ रही है, तो ऑल यू हैव टू डू इस रिमोट पर आपको यहाँ पर एक सेटिंग का बटन मिलता है। यू गो टू द सेटिंग्स, और सेटिंग्स के बाद आपको कुछ इस तरह का मेन्यू मिल जाएगा, और इस मेन्यू में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा OLED केयर, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। OLED केयर में जाने के बाद आपको चूज करना है OLED पैनल केयर। यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन पिक्सल क्लीनिंग, आप इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास है डिस्क्लेमर, जो कि आपको रीड कर लेना चाहिए। एक बार ये प्रोसेस अगर स्टार्ट होता है तो लगभग 1 घंटे तक आपका टीवी बंद रहेगा, और इसी दौरान आपको इसे दोबारा ऑन नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका पिक्सल क्लीनिंग प्रोसेस इंटरप्ट हो जाएगा और उसे आपको दोबारा से इनिशिएट करना पड़ेगा। और अगर आप पिक्सल क्लीनिंग इनिशिएट करने के लिए रेडी हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्टार्ट नाउ बटन। इसके बाद आपके पास एक और डिस्क्लेमर, जिसे आप रीड कर सकते हैं, एग्जैक्टली व्हाट आई मेंशन टू यू, एंड व्हेन यू रेडी सिंपली हिट यस।
एंड नाउ यू जस्ट हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 आवर. एक घंटे तक आप टाइमर सेट कर सकते हैं और एक घंटे बाद टीवी अपने आप ऑन हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है. एंड देन यू कैन चेक आउट द क्वालिटी ऑफ योर डिस्प्ले एंड आई एम प्रीटी मच श्योर जो भी पिक्सल बर्निंग स्पॉट्स थे वो आपको डिस्प्ले से जाते हुए नजर आएंगे. और अगर आप भी ओन करते हैं LG C1, C2, C3, G1, G2, G3 इनमें से कोई भी टेलीविजन, लगभग सेम ही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा पिक्सल क्लीनिंग के लिए. और अगर आप OLED पैनल ओन करते हैं लगभग किसी भी ब्रांड का, आपको ये एक्सपीरियंस होगा ही होगा. मे बी लिटिल सूनर और लिटिल लेटर, इट डजेंट मैटर, बट आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा. सो वैन इट हैपन्स ऑल यू हैव टू डू इज यू सिंपली डू द पिक्सल क्लीनिंग एंड अवॉइड यूजिंग योर OLED टीवी फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. जैसे 6-8 घंटे तक आपका टीवी ऑन ही है तो उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है पिक्सल बर्निंग होने की. ऑलराइट, सो द पिक्सल क्लीनिंग प्रोसेस ऑन माई टीवी इज कंप्लीटेड एंड लेट्स फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ द डिस्प्ले नाउ. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डिस्प्ले टू पॉप अप. And I see no burning spots or no signs on the display. Everything looks absolutely clean and this pixel cleaning did the trick for me. इसके अलावा इस टीवी पर मैं कुछ एक्साइटिंग वॉलपेपर्स यूज करता हूँ. एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए विच इज विंडोज साइट. इसमें आपको फ्री वॉलपेपर्स मिल जाते हैं जिनसे आपका टीवी थोड़ा सा और एक्साइटिंग लगता है, जिसे आप सेट कर सकते हैं. अगर आपका टीवी गैलरी में लगा हुआ है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाता है इस एप्लीकेशन के जरिए. यू गेट टू सी न्यू वॉलपेपर्स, एक्साइटिंग वॉलपेपर्स. और इस एप्लीकेशन में आपको वैरायटी ऑफ वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती हैं. जो भी आपको एक्सेस करना है यू कैन सिंपली गो अहेड एंड इनिशिएट दैट. और उसमें जितने भी वॉलपेपर सेट इनके पास होते हैं दैट चेंजेस ऑटोमेटिकली. तो आपका जो टीवी एक्सपीरियंस है वो काइंड ऑफ एक स्मार्ट वॉलपेपर एक्सपीरियंस भी जाता है इन योर हाउस. अगर आप डिनर कर रहे हैं, व्हाटएवर यू डूइंग, यू डोंट वांट टू सिंपली गो एंड प्ले समथिंग ऑन इट, पुट ऑन सम नाइस वॉलपेपर एंड लुक्स गुड. सो मुझे ये एक्सपीरियंस अच्छा लगता है. सो आई यूज दिस एप्लीकेशन फॉर द वॉलपेपर पर्पसेस. और ये है एक प्रोटेक्शन कवर फॉर दिस रिमोट, क्योंकि इसका रिमोट काफी महंगा आता है तो आप इसे तोड़ना नहीं चाहते और रिस्क नहीं लेना चाहते. तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए आई यूज दिस कवर जिसे मैंने अमेजोन के जरिए ऑर्डर किया था. और दिखने में कवर ये काफी अच्छा, ड्यूरेबल और हाई क्वालिटी लगता है एंड इट्स लाइक अ सिलिकॉन. एंड नीचे की तरफ इसमें थोड़ा सा थिक बॉटम मिलेगा जिससे कि नीचे का सेक्शन है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है. दिस कवर लुक्स एक्साइटिंग. इसका कलर, इसमें कलर ऑप्शंस काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और इसे क्लीन करना बहुत आसान है अगर गंदा हो जाता है तो. एक दो बार ये रिमोट गिरा भी है तो इस कवर ने काफ़ी प्रोटेक्शन इसे दिया है. सो आई थिंक सो इट्स काइंड ऑफ वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन इट. लगभग 1100-1200 रुपये मैंने इसे स्पेंड किया था. तो आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हैं. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. बिफोर आई क्लोज द वीडियो लेट मी गिव यू अ सैंपल ऑफ द साउंड जो ये टीवी आपको प्रोड्यूस करके देता है. The TV has superb sound quality. इसमें कोई डाउट ही नहीं है. आई हैव बीन सुपर सेटिस्फाइड विद द पिक्चर क्वालिटी एंड द साउंड क्वालिटी ऑन दिस टीवी बियॉन्ड इट्स डिजाइन. दिस इज व्हाट इट इज. वन मोर पीस ऑफ एडवाइस, व्हेन यू यूजिंग OLED टीवी प्लीज मेंटेन द मैक्सिमम डार्क एनवायरनमेंट. मतलब कोई भी घर की लाइट वाइट आप इसे बंद रखो, उसके बाद जो आपको इसमें ब्राइटनेस और कलर एक्सपीरियंस मिलता है दैट वुड बी एट अनदर लेवल एंड यू विल लव इट. जो मेरा एक्सपीरियंस है फ्रॉम अ नॉर्मल यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. ये टीवी काफ़ी अच्छा है और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कोई OLED लेने का देन यू कैन डेफिनेटली कंसीडर गेटिंग योरसेल्फ मे बी C3 और मे बी G3. एनीवेज आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. And if you have any question related to this TV, if you have a technical problem or you want to know anything about it, just go ahead and type me in the comment section. I would be more than happy to answer back to you. By the way, jab maine ise kharida tha, I spent approximately 1.6, I think so, lagbhag 1,60,000 rupees. Something like that. इसके अलावा इस टीवी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन गो एंड टाइप मी इन द कमेंट. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू और टू गिव यू एनी एडवाइस, व्हाटएवर इज पॉसिबल. यू आर वॉचिंग अनबॉक्स विद केडी शर्मा. हैव फन. साइनिंग फॉर नाउ. यू टेक केयर योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून.